यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि बहराइच की घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है। और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा। एक तरफ सीएम योगी ने लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक्शन का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बहराइच पर भी योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए। योगी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बहराइच में कैंप कर रहे हैं, जिनसे सीएम योगी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद बहराइच के हालात की निगरानी कर रहे हैं। सीएम के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राज्य के गृह सचिव भी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई। आरोप यह भी है कि साजिश के तहत दुर्गा माता की मूर्ति लेकर जा रहे विसर्जन के जुलूस पर कुछ घरों की छतों से पथराव हुआ और भीड़ को उकसाया गया। ये 13 अक्टूबर की वो तस्वीर है जिसमें राम गोपाल मिश्रा को आखिरी बार देखने का दावा किया गया। इस तस्वीर में दिख रहा मकान अब्दुल हमीद का है, जिसके परिवार पर रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या का आरोप है और वारदात के बाद से पूरा परिवार फरार है। आज टाइम्स नाउ न भारत की टीम उस मकान की छत पर पहुंची जहां पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी को छत पर जो दिखा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब्दुल हमीद की मकान की छत पर लाठी डंडों के साथ लोहे का रॉड भी पड़ा मिला। साथ ही छत पर ईंट पत्थर और कांच की टूटी हुई बोतलें नजर आई। क्राइम स्पॉट पर साजिश को कौन कौन से सबूत मिले साजिश के, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। रामगोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए ये झंडा जो है जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये बाउंड्री है जो टूटी थी, जो जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब रामगोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहाँ पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, रामगोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई। बहराइच में हिंसा भड़कने और उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत होने के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथ में राइफल लेकर खड़ा नजर आ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि वीडियो में हाथ में राइफल लेकर दिख रहा शख्स मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है।
जो घटना के बाद से अपने पिता और परिवार के साथ के दूसरे सदस्यों के साथ फरार हो चुका है। जब टाइम्स नाउ ने भारत की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे सहयोगी की मुलाकात फायरिंग के चश्मदीद से। इस लड़की का दावा है कि अब्दुल हमीद की छत पर ही राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। सुनिए चश्मदीद को। रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने, कैसे जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए। उसने यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, उसने मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था, फिर अचानक वो लैट्रिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास्टिक नाखून जा रही गई, फिर और सारी गोली मारी गई। अच्छा। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितने गोलियां चली थी? एक दो तीन चार गोली मैंने सुनी थी। चार आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? भाई छत से नहीं, अपने छत से, वो अपने छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए भाई हुए तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले गए। हाँ, खींच के ले गए, बाहर से ले गए। बाहर से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में चार लड़के थे, इनके बाप थे और इनकी माँ थी। कौन? तो अब ये लोग सब भाग गए, फरार हैं? फरार हैं। जिस तरह सीएम योगी बहराइच हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे उसका खौफ बहराइच के उन इलाकों में भी नजर आ रहा है जहां मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलने के दौरान हिंसा बढ़ गई। इसलिए अब ऐसे इलाकों के घरों में ताले लटके नजर आ रहे हैं। जरा इस पर भी रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर भैया? कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है। तो कई लोग अब घर छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन जो छोड़ना था वो छोड़ना था वो गुस्सा, जिसमें आपको इतना बर्दाश्त ना हो कि किसी ने झंडा कैसे उतार दिया और उसको गोली मार दी। और मुझे आश्चर्य होता है, कई लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि झंडा उतारा इसलिए तो उसकी हत्या हो गई। तो झंडा उतारेगा तो गोली मार देंगे, और इतना प्रीप्लान नहीं था तो वहां पत्थर वगैरह कैसे आ गए? हर बार छत पे पत्थर मिलते हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद